आयत मेरा हौसला है, वह मकाना रब्बू का नसीया, और तेरा रब तुझे भूलने वाला नहीं है। जो जैसा है उसे वैसा ही रहने दें, बस अच्छे वक्त का इंतज़ार करें और फिक्र करें इस बात की कि आपका रब आपसे राज़ी हो जाए। दुनिया का क्या है, सारी उम्र भी लगे रहोगे तो दुनिया राज़ी नहीं होगी। लिखा पेन से ये क्या किया है? ये आप इसको दोबारा दे दो, ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं बोले ले ला रही हूं। इस बंदे से तंग आ गई हूं। क्यों तंग आ गई हो? क्योंकि ये मार्किंग नहीं जाने मांग रहा है। मैं मम्मी की बात नहीं सुनाई दे रही थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू स्टार मेरा यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। अभी हो रहा है दोपहर का टाइम। उवैस सुबह चले गए थे ऑफिस, बट आज जो है ना जल्दी घर वापस आ गए और वो सो रहे थे। मैंने उवैस को कहा कि अगर आप जल्दी आ गए हो ना तो जाकर मुझे सब्ज़ी ला दो, मैंने बनाना है आज भिंडी। तो बस मेरा सुनकर इस बात को ना तैयार हो गई, मतलब सबसे पहले वो तैयार हो जाती है ये बात सुनकर। अगर मैं किसी को मार्केट भेज रही होती वो तैयार शैयार होकर खड़ी हो जाती है, उसे भी जाना होता है मार्केट। तो वो भैया को इसलिए कह रही थी, इतना डांट रही थी कि मामा की आवाज़ आपको नहीं जा रही है, और वो थोड़े नेस्ती मारे होते थे इसलिए कि बाहर ना शदीद गर्मी हो रही थी। धूप तो नहीं थे बट गर्मी की वजह से वो बाहर नहीं जा पा रही थी, क्योंकि आजकल जो ना मौसम बहुत अच्छा सा हो रहा है, प्यारा प्यारा सा हो रहा है, हवाएं चल रही थी। बट वो जब काम से आ जाते ना थोड़ी सी सुस्ती मारे हो रहे होते हैं, थके हुए होते थे। मैंने कहा आप एक डेढ़ घंटा आराम कर चुके हैं, अब उठ जाओ मुझे सब्ज़ी ला दो। तो बड़ी मुश्किलों से मीरा ने उसे उठाया और वो चले गए, मतलब दोनों चले गए हैं भिंडी लेने के लिए। और यहाँ पे मैं आ गई किचन में, क्योंकि किचन की मैंने की थी क्लीनिंग नहीं। तभी मैंने बर्तन वॉश कर लिया, बर्तन वॉश करने के बाद फिर मैंने खाना बनाना है। तो खाने में मैंने बनाना है आज भिंडी, और भिंडी की जो रेसिपी मैं आज आप लोगों से शेयर करूँगी ना, इसकी क्या ही बात है, जब आप एक बार इसे बनाकर खा लेंगे ना तो फिर उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। तो यहाँ पे मार्केट से वैसे आ गए थे, साथ ही भिंडी लेकर आए थे, और मेरा जो भिंडी के पीछे पड़ गई थी उसे कच्ची भिंडी खाना बहुत ज्यादा पसंद है। तो ये देखें, कच्चे खाओगी? पागल, और धोया भी नहीं, गंदे गंदे धो के दे रही हूँ, लाओ मैं दोनों। और अब मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि खाना बनाने की तैयारी करनी। भिंडी तो आ गए थे, भिंडी आज जो है ना वैसे कम लेकर आए हैं। मैंने कहा था एक किलो मिले, सस्ती मिले तो एक किलो ले लेना, नहीं तो आधा किलो लेना, जबकि ये 60 और 70 रुपए का मिला है। बेवकूफ़ को देखिए कि ये थोड़े ज़्यादा ले लेता, बट ये आधा किलो उठा कर लिया है। खैर है कि असल में बच्चों को ना बाज़ार लेना आता नहीं है, बाज़ार मेरा के पापा और मैं जाकर ही लेकर आते हैं। हफ्ते के बाज़ार ले आते हैं ना थोड़ा सुकून हो जाता है, जब सब्ज़ियाँ ख़त्म हो जाती हैं ना तो इस तरह फिर मुझे मंगानी पड़ती है, और इस तरह के काम जो है ना बच्चे कर देते हैं। तो खैर ठीक है, आधा किलो आ गया था, अब इसकी ही रेसिपी बना लेते हैं। इसे अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है, धोने के बाद सबसे पहले इसे हम फैला देंगे हवा में हमेशा की तरह। मतलब इस तरह भिंडी को अगर आप हवा में पहले धोने के बाद वॉश कर लेंगे ना, मतलब ड्राई कर लेंगे, तो इस तरह क्या होगा, जब आप इसे कट करेंगे या पकाएंगे ना तो ये लेसदार नहीं होंगे, बिल्कुल अच्छे बनेंगे, ड्राई ड्राई से बनेंगे। मतलब ये इसमें एक लेसपन जो आ जाता है ना वो नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ पर शाम का वक्त हो चुका था, मैंने ड्राई करने के लिए भिंडी रखा था। मेरा के पापा जो ऑफिस से आ चुके थे तो मैंने देखा कि भिंडी अच्छे से ड्राई हो चुकी है, खुश्क हो चुका था। मैंने कहा चलो इसे कट कर लेते हैं, बॉल में मैंने इसे निकाल लिया है। अब इतनी थोड़ी सी भिंडी को मैं देख रही थी कि इससे क्या होगा, क्योंकि मुझे उवैस को सुबह लंच भी पैक करके देना होता है, और दूसरी तरफ ना मेरा के पापा जॉब से आते ही ना फ़ैन के पीछे लगे, क्योंकि रात में हुआ ऐसा था कि अचानक चलते चलते ना ये फ़ैन बंद हो गया था, और बंद होने की वजह से ना हमें बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस हो रही थी, खासकर मेरा को। मेरा फ़ैन की, इस फ़ैन के अलावा जो ना उससे नींद नहीं आती है। हम रूम कूलर चलाते थे, बट रूम कूलर चलाने से क्या होता है ना कि बिल हमारे घर में बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो हमने क्या किया, रूम कूलर को उठा कर ही रख दिया एक साइड में, कि बिल इतने इतने ज़्यादा हम कैसे भरें। रूम कूलर चलाना तो आसान होता है बट बिल भरना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस फ़ैन को इसलिए मेरा के पापा ने बनवा कर लाया था, बस एक दिन ही यह चला और दूसरे दिन ही हो गया ख़राब। तो लगे मैं उसकी कोशिश में कि ये फ़ैन खुद ही बना लें, खुद ही लगे हुए हैं, और अगर ये नहीं बन पाया घर पे तो फिर इसे मैकेनिक के पास लेकर जाएंगे, और आज के आज ही इसे बनाकर लेकर आना ज़रूरी है, क्योंकि रात निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे बातों बातों में मैंने भिंडी कट कर ली, और भिंडी कट मैंने किस तरह किया है, पिछले व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि भिंडी गोश्त के लिए मैंने जिस तरह भिंडी को कट किया था, तो उसी तरह मैंने इस भिंडी को भी कट करके लिया है। ठीक है, यहाँ पर दो बड़ी साइज़ के मैंने टमाटर लिया है। इस रेसिपी में टमाटर का यूज़ मैं थोड़ा ज़्यादा करूँगी, और टमाटर से इसमें टेस्ट आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर दो बड़ी साइज़ के टमाटरों को हम इस तरह बारीक कट करके ले लेंगे। साथ ही मैंने प्याज भी लिया है, तो प्याज भी थोड़े से ज़्यादा मैंने लिया है। ठीक है, प्याज को भी इसी तरह स्लाइस में हम कट कर लेंगे, टमाटर कट करके रख देंगे साइड में। और एक बहुत ही मज़ेदार मसाला मैं इस रेसिपी में, मतलब कि भिंडी की भुजिया में लास्ट में डालूंगी, जिससे इसका टेस्ट जो है ना वो डबल हो जाएगा।
लकड़ी की काठी चोनी चोनी यस पापा ईटिंग चूजर नो पापा टर्निंग द लाइट नो पापा ओपन यू अप मैं काम कर रही होती हूँ और मेरा इसी तरह मेरे आगे पीछे घूम रही होती है। बातों बातों में मैंने ये देखे स्लाइस कर लिया है प्याज को और साथ ही मैंने लिया है यहाँ पे हरी मिर्चें। ये हरी मिर्चें थोड़ी तीखी वाली इसलिए मैंने यहाँ पे कम यूज़ किया है। उसके साथ ही लेंगे यहाँ पे लहसुन। लहसुन थोड़ा सा मैं ज़्यादा लूँगी क्योंकि इसका फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा आने वाला है। तो यहाँ पर हरी मिर्च और लहसुन को हम कुंडे में डालकर इस तरह कूट लेंगे। थोड़ा फाइन सा कूटेंगे, मतलब ज़्यादा मोटा भी नहीं रखेंगे और ज़्यादा बारीक भी नहीं करेंगे, ठीक है। इसे अच्छे से कूटने के बाद फिर से रख देंगे हम साइड में। ये देखें मज़ेदार सा हमारे ये लहसुन और मिर्चों का ये कुचला सा तैयार हो चुका है। इसे अब हम रख देंगे साइड में। अब चूल्हे पे कढ़ाई चढ़ा दिया, इसमें ऑयल डाल देंगे, ठीक है। ऑयल थोड़ा सा मैं इसमें ज़्यादा डालूंगी क्योंकि बना रही हूँ भिंडी की भुजिया और उसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा होगा तो अच्छा लगेगा। मज़ेदार से हमारी ये भुजिया बनकर होगी तैयार। और जो हमने भिंडी कट करके रखा है ना वो इसमें शामिल कर देंगे। इसी ऑयल में इसे अच्छी तरह हम फ्राई करेंगे। सबसे पहले अभी हमने इसमें कुछ भी नहीं डालना है, जस्ट भिंडी डालकर इसे अच्छे से फ्राई करना है। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा, ये अच्छी तरह फ्राई हो जाएंगे ना, फिर नेक्स्ट स्टेप करेंगे। और नेक्स्ट स्टेप में इसमें बाकी मसाले जो प्याज वगैरह वो हम इसमें ऐड करेंगे। और ये देखिए भिंडी जो हमारी ना बिल्कुल भी लहसदार नहीं बनी है। एक चिपचिपाहट और एक जो चिकनापन आ जाता है ना वो इस भिंडी में नहीं होगी क्योंकि इसका जो तरीका है मैंने बताया ना, पहले इसे वॉश करना है, फिर इसके पानी को ड्राई करना है, फिर आपने इसकी कटिंग करनी है। इस तरह जब आप अपनी भिंडी को कटिंग करके कोई भी रेसिपी बनाएंगे ना तो इसमें लहसदार जो हो जाता है ना वो बिल्कुल भी नहीं होगा। और अगर ऐसा होने भी लगे बिलफर्श तो आपने क्या करना है, इसमें थोड़ा सा लेमन जूस स्क्वीज़ कर देना, उससे भी जो है वो जो लहस चिकनाहट होती है ना वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। जब भिंडी अच्छे से फ्राई हो गया ना फिर मैंने इसमें प्याज शामिल कर दिया, जो प्याज मैंने स्लाइस में कट करके रखा था, ठीक है। प्याज शामिल करने के बाद आधी टीस्पून मैंने इसमें हल्दी का शामिल किया है। जब भिंडी में प्याज डाल देंगे तो फिर हम इस प्याज को अच्छी तरह फ्राई करेंगे भिंडी के साथ, जब इसका कलर चेंज हो जाएगा प्याज का, ठीक है। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा ना तो फिर हम इसमें सॉल्ट शामिल करेंगे। सॉल्ट डालते ही फिर इसमें हम टमाटर भी शामिल कर देंगे। टमाटर इस रेसिपी में थोड़ा ज़्यादा जाएगा और वैसे भी हमारे घर में टमाटर का यूज़ ज़्यादा है और इस रेसिपी में टमाटर का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आने वाला है। नमक डालने के बाद मैंने फ़ौरन ही टमाटर शामिल कर दिए है। अब अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब बारी आती है टमाटर को और भिंडी को सॉफ्ट करने की, ठीक है, गलाने की। तो हम 6 से 7 मिनट के लिए लिड लगाकर लो फ्लेम पर छोड़ देंगे कि भिंडी भी हमारी अच्छे से गल जाएँ, सॉफ्ट हो जाएँ और टमाटर भी नरम पड़ जाएँ। तो 6 मिनट बाद मैंने लिड हटा दिया था और भिंडी जल्दी ही सॉफ्ट हो जाएंगी क्योंकि हमें इसे फ्राई हमने पहले फ्राई भी किया है। फ्राई करते हुए ये आधे गल चुकी थी, मतलब भिंडी जल्दी ही गल जाती है और टमाटर भी हमारे जो है ना अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। ये देखें जैसे मैं मिक्स कर रही हूँ ना, भिंडी के साथ जो टमाटर अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम इसकी भुनाई शुरू करेंगे। यहाँ इस स्टेज पर आपने हल्के हाथों से अच्छे से भुनाई करना है कि भिंडी भी आपकी नहीं टूटे और जो टमाटर है वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। इस स्टेज पर हम भिंडी की भुजिया को थोड़ी अच्छे से भुनाई करेंगे और यहाँ पे मैं चेक कर रही थी कि भिंडी हमारी कितनी सॉफ्ट है। भिंडी जो माशाल्लाह से बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं और बहुत ही ज़बरदस्त इस पर खुशबू आ रही है इस भिंडी की भुजिया की। और इस भिंडी की भुजिया में जस्ट मसाले में मैंने सॉल्ट और हल्दी का इस्तेमाल किया है, इसमें हमने पिसी मिर्चों का इस्तेमाल नहीं किया है। पिसी मिर्चें मैंने इसलिए नहीं डाली थी क्योंकि जो हरी मिर्चों को हमने कूट कर रखा हुआ है ना वो भी इसमें शामिल करेंगे तो उसकी वजह से इसमें जो मिर्च मसाले हैं ना वो बैलेंस में आ जाएगा। अगर आपकी मिर्चें ज़्यादा तीखी नहीं हैं हरी मिर्चें तो इसमें आप पिसी मिर्चें अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अभी मैंने जो मिर्चें डाली हैं इसमें लाल मिर्चें तो बिल्कुल 1/4 टीस्पून थोड़ा सा मैंने शामिल किया है। उसके बाद अच्छी तरह भून लेंगे। भूनने के बाद लास्ट में जब आप फ्लेम ऑफ करने वाले हो ना तब ये जो कुचला हमने बनाकर रखा है ना हरी मिर्च और लहसुन का ये शामिल कर देना है, ठीक है। डालकर आपने अच्छे से इसे मिक्स करना है, भूनना है और फ्लेम को उसी दौरान ही आपने ऑफ कर देना है। ये कुचला डालने के बाद आपने इसे ज़्यादा भूनना नहीं है, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है और ज़्यादा पकाना भी नहीं है, ठीक है। और फाइनली हमारी ये भिंडी की भुजिया की रेसिपी बनकर हो गई है तैयार और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। हरी मिर्चों का जो इसमें फ्लेवर आएगा ना और जो लहसुन का उसकी क्या ही बात है। आपने ये रेसिपी इस तरह ज़रूर ट्राई करना है। हमारे घर में ये भिंडी की भुजिया बहुत ही शौक से खाई जाती है। इससे पहले भी मैंने आप लोगों को एक भिंडी की भुजिया बनाना बताई है रेसिपी, वो भी बहुत ही मज़े की बनती है। और ये टमाटर और हरी मिर्चों वाली भिंडी की भुजिया लिटरली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और आप जब एक बार इसे बना लेंगे ना तो आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे क्योंकि ये बनती ही इतनी टेस्टी है। और यहाँ पे मैं जैसे ही किचन के काम से फ्री हुई उतने में ही लाइट चली गई और मुझे बनाना था रोटी, तो रोटी तभी मैं बनाऊंगी नहीं, जब लाइट आएगी तभी बनाऊंगी। और यहाँ पे मेरा के पापा अभी तक फ़ैन के पीछे लगे हुए थे कि फ़ैन बन जाए और फ़ैन बन नहीं रहा था, उसकी मशीन जल गई थी। तो न्यू मशीन ख़रीद कर लेकर आकर इन्होंने कहा कि चलो मैंने खुद ही फिट कर देना है और ये पंखा लाइट आने तक तो बन ही जाएगा। इतने में हसनैन बाहर से आए थे ना तो ये मिर्रा के लिए फ्रेंच फ्राइज़ लेकर आए थे। मिर्रा यहाँ पर फ्रेंच फ्राइज़ खा रही थी। और आई होप कि हमारा आज का ये छोटा सा ब्लॉग आप सबको पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो मेरे चैनल पे अभी न्यू है जो जल्दी से प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।